क्यों मत बन सवर, फांसी लग जाएगी मजाक मजाक में। प्रूफ सिर्फ डिजिटल नहीं होते। I can get you arrested, try. बॉलीवुड एक्ट्रेस डिंपल कपाडिया अपने टाइम के एक मशहूर एक्ट्रेस रह चुके हैं और वो आज भी बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। उनके आज भी लाखों दीवाने हैं। 9 जून को डिंपल कपाडिया 64 सालों की हो गई हैं और डिंपल कपाडिया की बॉलीवुड इंडस्ट्री में जर्नी काफी सक्सेसफुल रही है। इस एक्ट्रेस की लाइफ भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों डिंपल कपाडिया ने राजेश खन्ना को डिवोर्स नहीं दिया था और क्यों वो उनके साथ भी नहीं रहती थी। डिंपल ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत ऋषि कपूर के ऑपोजिट फिल्म बॉबी से की थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वहीं उनकी शादी भी इंडस्ट्री के सुपरस्टार राजेश खन्ना से हुई थी। 1973 में उन्होंने बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ शादी की थी, जो कि उनसे 15 साल उम्र में बड़े थे। और जिस वक्त एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के काका से शादी की थी, उस टाइम एक्ट्रेस महज 16 साल की थी। शादी के बाद दोनों दो बेटियों के पेरेंट्स भी बने, जिनका नाम है ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। लेकिन ये कपल एक हैप्पीली मैरिड कपल नहीं था और उनकी मैरिड लाइफ स्मूथ नहीं चल रही थी, जिसका सबसे बड़ा रीजन था कि राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिंपल कपाडिया मूवीज में काम करना कंटिन्यू करें। इन दोनों के सेपरेट होने के बाद रिपोर्ट्स ये भी सामने आई थी कि डिंपल कपाडिया का सनी देओल के साथ अफेयर था। रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे, लेकिन सनी देओल अपनी वाइफ को डिवोर्स देना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से डिंपल कपाडिया काफी अपसेट थी। और इसी दौरान डिंपल ने ये फैसला किया था कि वो कभी भी राजेश खन्ना को डिवोर्स नहीं देंगी, लेकिन वो उनके साथ रहेंगी भी नहीं। और अगर डिंपल कपाडिया और सनी देओल के साथ में की गई फिल्मों के बारे में बात करें तो सनी और डिंपल अर्जुन, मंजिल मंजिल, आग का गोला, गुन्हा और नरसिम्हा जैसी मूवीज में साथ नजर आ चुके हैं। और इन फिल्मों के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां काफी बढ़ गई थी, लेकिन दोनों ने ही कभी भी पब्लिकली इस बात को कबूल नहीं किया था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन वो सनी देओल की एक्स गर्लफ्रेंड थी जिन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि सनी देओल डिंपल कपाडिया के साथ रिलेशनशिप में है। अमृता सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि डिंपल उनका केक यानी सनी देओल खा रही थी। उन्होंने आगे कहा कि उनके पास कुछ भी खोने को नहीं था एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन्हें उनका लड़का मिल गया था जिन्हें वो चाहती थी। खबरों की माने तो राजेश खन्ना के अंतिम समय में डिंपल कपाडिया 27 साल के बाद उनके पास गई थी और उनके साथ रहने भी लगी थी। और मीडिया में रिपोर्ट सामने आई थी कि इस बात से राजेश खन्ना काफी खुश थे, लेकिन राजेश खन्ना 2012 में कैंसर से लड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गए। र्यूमर्स ये भी थे कि डिंपल और सनी देओल इतने क्लोज थे कि डिंपल की बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना सनी देओल को छोटे पापा कहकर बुलाती थी। 2009 में जब डिंपल की सिस्टर सिंपल कपाडिया का निधन हुआ, तब वहां सनी देओल भी उनके साथ मौजूद थे और उन्हें सांत्वना भी दे रहे थे। बता दें कि कई सालों के बाद दोनों को लंदन में एक ट्रेन स्टेशन पर साथ में स्पॉट किया गया था। तो ये थी वो वजह जिसके चलते एक्ट्रेस ने राजेश खन्ना को डिवोर्स नहीं दिया था। वहीं अगर एक्ट्रेस के वर्क फ्रेंड के बारे में बात करें तो डिंपल कपाडिया को उस टाइम पहले ही नजर आई थी हॉलीवुड फिल्म टेनेट में, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। वहीं अगर एक्ट्रेस के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो डिंपल कपाडिया जल्दी नजर आने वाली हैं फिल्म ब्रह्मास्त्र में, जिसमें मेन लीड में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स मौजूद हैं और इस फिल्म को अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं। साथ ही एक्ट्रेस शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान में भी नजर आएंगी। बता दें कि इस फिल्म में डिंपल एक मेजर रोल प्ले करने जा रही हैं। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा बताएं हमें कमेंट्स में और जुड़े रहें फिल्मी बाइट के साथ फॉर एवरीथिंग फिल्मी।